तो दोस्तों 4 मार्च को आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, और वेरी क्लेरिकल का 25 तारीख का एग्जाम जिन लोगों ने भी दिया था उसके रिव्यू के हिसाब से आप लोगों ने अपनी इन दिनों तैयारी जरूर की होगी। एक चीज जो काफी कॉमन है लोगों के बीच में वो ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर, कि इस बार लोअर स्कोरिंग जो है वो यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिल रही है। देखो मैं आपको एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म करूंगा कि कट ऑफ जो है वो हर एक साल दर साल चेंज होती रहती है। अगर मैं 25 तारीख वाले अटेम्प्ट देखूं दोनों शिफ्ट में तो वो लगभग 90s 95, मतलब लेस देन 100 के आसपास में काफी सारे को लोगों के हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 82 80s भी यहाँ पर बनाए हैं। तो इट डजेंट मीन कि हर एक जगह की एक यूनिक कट ऑफ जाएगी, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर होगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपने 25 तारीख वाले पेपर में ये भी देखा होगा कि जनवरी मंथ का करंट अफेयर जो है भर भर कर आया था, काफी सारे क्वेश्चंस जनवरी के पूछे गए थे। तो जो लोग 4 मार्च को पेपर में अपियर करेंगे उनके लिए फरवरी मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और एटलीस्ट आप लोग 21st मतलब 3 वीक तक का फरवरी का करंट अफेयर्स तो कर ही चले जाना। मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में ये जो 3 वीक है, वीक 1 वीक 2 वीक 3, ये तीनों फ्री प्रोवाइड करा रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स की जो मेंबरशिप है उस फोल्डर के अंदर आपको हमारा फरवरी का जो फोल्डर दिया होगा वहां पर आप इन करंट अफेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, आप ये मत सोचो कि सामने वाला कितने अटेम्प्ट्स बना रहा है और आपको भी उतने ही सिमिलर अटेम्प्ट्स करने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई गैस मार देता है और किसी ने हवाबाजी करते हुए बोल दिया कि यार मैंने तो 110 बना लिए, 115 बना लिए, तो आप भी जबरदस्ती बना करा रहे हो, ऐसा मत करना। जितना पेपर बने, अगर पेपर 85 का बन रहा है तो आप 85 बना कराओ, अगर पेपर आपका 100 का बन रहा है तो आपसे 100 बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। ये मत करना कि मुझे गैस वर्क मार्क देना है, मेरे अटेम्प्ट्स कम देखने में लग रहे हैं तो मैं थोड़े से अपने बढ़ा दूं, तो हो सकता है तुक्के से कुछ क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। तुक्के से कभी कोई चीज ठीक बिल्कुल नहीं होती। मैथमेटिक्स में एक चीज है ना कि अगर आंसर निकलेगा तो पूरा सही आएगा, पजल्स सही निकलेगी तो आपका सही आंसर पजल का निकल जाएगा। और दूसरी चीज है कि इन दो के अलावा जो जनरल अवेयरनेस है उसमें क्या है कि आपने जितना पढ़ रखा होगा, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी मैक्सिमम रिवीजन करोगे उतना बेहतर आपको अपने मार्क्स और रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग पूरा एनालिसिस कल करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करके ये जो 3 वीक्स हैं इनको एक बार रिवाइज कर देना, और आपको वहां पर बहुत सारी और भी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें। और ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये आपकी लाइफ का लास्ट एग्जामिनेशन हो, मैं तो चाहूंगा आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए और एक अच्छी सी नौकरी यार आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन।